इंदौर में बुधवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से रुई की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग में हजारों का माल जलकर खाक हो चुका था। घटना बाणगंगा इलाके के वृंदावन कॉलोनी की है। यहां स्थित एक रुई की दुकान में देर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन इसके पहले दुकान में रखी हजारों रुपए की रुई सहित अन्य सामान आग की भेंट चढ़ चुके थे। जानकारी मिली थी सीधरा में बुधराबंद कॉलोनी के पास में है कि रुई की दुकान में आ गई। यहाँ पर तत्काल आए, नहीं कुछ लोगों ने यहाँ कंट्रोल कर दिया था। हमारे आने के बाद में तो गई थी आग बुझाई। क्या कारण रहा आग लगने कारण का ज्ञात नहीं है। क्या कारण कोई बड़ी आग तो नहीं थी? नहीं 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 कोई बड़ी आग नहीं थी। कोई मुझे कहीं कोई जनानी नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, कितना टैंकर पानी लगा है? एक टैंकर पानी लगा। कहाँ की घटना थी? बंद्रा का बंद्रा बन कॉलोनी रुई की दुकान थी। रुई की दुकान।